हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी ब्लॉगर्स। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज है जन्माष्टमी, मतलब दुनिया के सबसे हैंडसम और कूल बॉय का बर्थडे। तो गाइस आज हम लोग करेंगे पूरी जन्माष्टमी की डेकोरेशन, झांकीज और ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स और हमारे लड्डू गोपाल का जन्म। तो उनका तो जन्म रात में 12 बजे होगा, लेकिन हम लोग आपके साथ अपने पूरे दिन की डेकोरेशन और पूरे दिन का व्लॉग शूट करेंगे। तो गाइस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। तो गाइस हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया है कृष्ण जी के जन्म स्थल, मतलब कंस के कारागार से। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं गोकुल की झांकियाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने नेचुरल प्लांट्स का यूज़ किया है। ग्रीन ग्रास को दिखाने के लिए हम लोगों ने लकड़ी का बुरादे का यूज़ किया, जो मैं 2-3 दिन पहले से इसको लेकर आया, उसको झाड़ा, कलर किया और फिर उसके बाद ग्रीन ग्रास को बना रहे हैं। और ये मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ बुरादे को अच्छे से ग्रास को दिखाने के लिए। और हम लोगों ने बैकग्राउंड में ब्लैक पूरा रखा है और उसके ऊपर फ्लावर्स की लड़ी लगाई है, जो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है बैकग्राउंड को। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब हम लोग को ये जन्माष्टमी की डेकोरेशन करके। आफ्टर ऑल हम लोग हर साल करते हैं, बट इस साल आपके साथ। और मानसी ये बुरादा डाल रही हैं अब। गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, पूरा मतलब झांकी डेकोरेट हो चुकी है और भगवान का सिंहासन और पूजा वाला। और फिर फाइनली लास्ट में हम लोग का वाटरफॉल, मीन्स हम लोग का जो मेन है उसको बनाना बाकी है। तो देख सकते हैं कि पत्थर आ चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं तो मम्मी आई है देखने कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं कृष्ण जी के बैकग्राउंड में एक बड़ी सी लीफ लगा रहा हूँ कि फाउंटेन का बेस बन चुका है। पानी इतनी देर के बाद कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है, हर चीज परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट का बेस बन चुका है, मेरी हालत खराब हो चुकी है। और अब हम लोग तो मैंने यहाँ पर पहाड़ बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने झरने का बेस बनाया है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब मुझे सीरियसली बनाने में, क्योंकि बार बार पानी का लीकेज हो रहा था, कहीं किनारे से, कहीं आगे से, कहीं पीछे से। तो आफ्टर ऑल लास्ट में ये बनी गया, तो काफ़ी मेहनत लगी। और मैंने इसमें बहुत बड़े पत्थरों का यूज, मतलब बेस बनाने के लिए बड़े पत्थरों का यूज किया। तो बहुत अच्छा लगा बना, मतलब बहुत में आप बहुत ही की सच्ची और सच में बहुत अच्छा लगा हम लोग। सोहन मेरी हेल्प कर रहा था पहाड़ों को बनाने के लिए, वो मुझे पत्थर पास कर रहा था और मैं लाइन से उसको लगाकर बिल्कुल एकदम नेचुरल झील वाला इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया करके। मानसी भी मेरी हेल्प कर रही थी, तो हम लोगों ने साथ में मिलके पूरी डेकोरेशन की। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये अब ये लोग बना रहे हैं एल्पोना, ये बहुत ही ट्रेडिशनल रंगोली है पूजा के लिए। गाइस हमारा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, वृंदावन बिहारी अपने स्थान पर विराज चुके हैं, हमारा ब्यूटीफुल सा यमुना रिवर बह रहा है, उससे झरना निकल रहा है और स्मोक निकल रहा है, फाउंटेन बह रहा है और यहाँ पे हमारी सारी गोकुल की लीलाएं हो रही हैं। भगवान रात में 12 बजे पैदा होंगे खीरे से, तभी वो इस झूले में झूला झूलेंगे, इनका स्नान होगा, पूजन होगा और फिर वो इस झूले में विराजेंगे और सबको अपना आशीर्वाद देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा थक गया और मेरा पूरा पास था, मैंने इतनी सारी डेकोरेशन की, क्या क्या, मतलब सुबह मैं उठा हूँ, मैंने बिल्कुल एक मिनट भी फ़ोन यूज़ नहीं किया, बस ब्लॉग भी मेरा करने का मन नहीं था। लेकिन गाइस मैं आपसे कनेक्ट रहना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे मैंने की। अगर आपको मेरी ये झांकी भगवान की पसंद आई तो आपको वीडियो में राधे राधे लिखिएगा और एक लाइक तो बनता है यार। तो गाइस आप देख सकते हैं और मैं जा रहा हूँ अब रेडी होने। तो 9:30 बज रहा है, 12 बजे का वेट है और फिर उसके बाद आपको भी मिलाएंगे अपने लड्डू। गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं भगवान खीरे में आ चुके हैं और
जो ये जो खीरा होता है, इस खीरे में ये कैसा डंठल टाइप का निकला रहता है, तो इसे जो मदर की पेट में जो गर्भनाल होती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये कृष्ण जी की मदर की प्लेसेंटा है। तो अब ये जाएगा कारागर में और रात के 12 बजे हमारे पैदा होंगे लड्डू। तो गाइस अब टाइम हो गया जी के चरण का, तो मैंने वेयर किया है बिल्कुल व्हाइट और प्लेन, तो मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता वेयर किया है और बंगाली। तो गाइस अब भगवान का चरण होगा, फिर उनका अभिषेक होगा, उनकी आरती होगी, उन्हें भोग लगेगा, वीडियो में बंद करेंगे। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the... तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं रात के 12 बज चुके हैं, सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी, भगवान अपने पालने में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। सारी पूजा अच्छे से हो गई और भगवान को भोग भी लग गया, बहुत अच्छा हुआ फंक्शन। आई होप गाइस आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपको भगवान की छठी का ब्लॉग चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग उस दिन भगवान को भोग लगाएंगे और उनकी छठी मनाएंगे, तो अगर आपको ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।